तो गाइस उसी के बाद में अगला सीन आया है यहाँ पर बुलमा और गोहान का। बुलमा बोल रही है, गोहान रेडार के हिसाब से है ना, ड्रैगन बॉल जो वहाँ पर थी वो अब हिलने लग रही है। तो गोहान देखने के लिए भगे भगे आता है। बुलमा कहती है कि वो सीधा हमारे पास ना आ रही है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि किलने ने वो? तो गोहान कहता है कि हाँ शर्त लगा लो वही है वो। बुलमा कहती है कि फिर इसके बारे में क्या, ये पांच तो फ्रिजा के आदमी के पास में और यहाँ ये अकेला है। गोहान बोल रहा है ये रुको, ये वही गांव है ना जहाँ पर वेजिटा ने अटैक किया था, पर वेजिटा वहाँ पर नहीं है, मैं उसकी कोई भी एनर्जी को कहीं पर भी सेंस नहीं कर पा रहा अभी। तो बुलमा कहते हैं कि अच्छा मेरे को पता चल गया, उसने विलेज पर तो अटैक करा पर है ना उसे वहाँ पर ड्रैगन बॉल नहीं मिली। तो गोहान बोलता है कि मेरे को जरा रडार दे दो बुलमा, मैं उस ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए चलता हूँ। तो अब गोहान यहाँ पर तैयार हो गया है, तो कह रहा है कि चलो अब चलता हूँ मैं। बुलमा एक साथ अचानक कहती है कि अरे मैं एक चीज़ भूल गई, मैंने यहाँ पर है ना कुकिंग मशीन और रिसोर्स मशीन को गुफा के अंदर छोड़ दिया है, आराम से तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए है ना। तो इसी वाली बात पर गोहान कहता है कि ठीक है धन्यवाद तुम्हारा, अब मैं चलता हूँ। तो अब गोहान का चांस है, ये कह रहा है गोहान की है ना अभी मैं यहाँ पर कोई डरावनी सी एनर्जी को फील नहीं कर रहा, तो ये एक अच्छी बात है और हम डायरेक्ट सीधा अपनी लोकेशन पर जा सकते हैं। और ये ग्रीन जेड ऑप्स को मैं कलेक्ट करके जाऊँगा पहले, तो वहाँ पर यार ज़्यादा दूर भी नहीं है जहाँ पर यार वेजिटा ने अटैक करा, इनसे थोड़ा सा बच के चलता हूँ यार, ये बिना बात के बीच में आ जाते हैं, मेरे को इनसे फाइट करने में मज़ा नहीं आता, मैं बड़े लोगों से पंगा लेता हूँ। आपको भी खैर मज़ा नहीं आता है जब आप छोटे लोगों से पंगा देखते हैं, तो इसमें नहीं मैं नीली वाली जगह पर नहीं जा रहा, वैसे तो मैं रेड वाली जगह पर ही जा रहा हूँ, बट यार इनसे बच के जाना होगा मेरे को। गोहान तो कह रहा है कि मेरे को लगता है कि मैं इन्हें हैंडल कर सकता हूँ, मेरे को भी पता है गोहान तुम इसे हैंडल कर सकते हो, पर मैं तुम्हें इन लड़ाई के बीच में नहीं पड़ाऊँगा, तुम यार बड़ी चीज़ों के लिए बने हो यार, इन चुल्लू लोगों के लिए नहीं बने है ना, समझ रहे हो? अब बस थोड़ी दूर रह गया, बस वहाँ पर जाना है तुम्हें, उस पर ध्यान दो। और यार कितना बड़ा धुआं उठ रहा है उस गाँव से, वेजिटा ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा डाली है। तो फिर अभी हम बस चल ही रहे हैं, काफ़ी बड़ा धमाका हुआ यार क्योंकि वो इतना ऊंचा धुआं उठ रहा है इस चीज़ का। चलो यार पहुंचते हैं यहाँ पर देखते हैं, काफ़ी बड़ा यार धमाका भी हुआ है, देखेंगे अब पता चलेगा कितना नुकसान हुआ है इन गांव वालों का। यार नेमेकियंस का तो यार पूरा प्लेनेट ख़राब कर ही दे रहे हैं सेयांस, यार फ्रीजा ने तो दिमाग ख़राब करके रखा है। और गोहान इस हालत को देख के कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा भयानक है, ये तो बिल्कुल बर्बाद हो गया विलेज, इसको अभी ड्रैगन बॉल और ढूंढनी है गोहान को। तो गोहान अभी ड्रैगन बॉल की तलाशी पर लग गया है, किधर है? अच्छा उस तरफ है भाई, देखो कैसी लाशें बिछी हुई है। वेजिटा ने खैर यहाँ पर डाल दी थी ड्रैगन बॉल, हमें तो खैर पता ही था ये वाली बात, हमने पिछले वाले एपिसोड्स के अंदर देख ही लिया था। तो गोहान कह रहा है कि ये मेरे को मिल गई है और निकाल लाया ये तालाब में से, पर ये इस जगह पर कर क्या रही थी? शायद विलेजर्स एक साथ हड़बड़ाहट में इसको यहाँ पर छुपा दिए होंगे। ये तो वापस से वेजिटा का सीन आ गया यहाँ पर, और यार वेजिटा ने यार जार्बन की मार से अभी भी बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा है। जग गया भाई ये, जार्बन एक साथ कहता है कि वो धमाका क्या था? फ्रिजा कहता है कि ये नहीं हो सकता, और भाई ये दोनों के दोनों फ्रिजा और जार्बन चल पड़े यहाँ से, भाई वेजिटा हाथ से निकल गया। जार्बन कह रहा है कि है ना अब तो ये रिक्यूपरेशन टैंक के अंदर भी नहीं है, ये वेजिटा कहाँ हो सकता है अब? फ्रिजा फिर हल्ला करके कहता है कि ढूंढो जार्बन उसे, अभी ढूंढो, वेजिटा तो पर यहाँ पर है। अच्छा ड्रैगन बॉल्स के पास में आ गया भाई, वेजिटा कह रहा है हाँ ड्रैगन बॉल्स, ऐसा लगता है कि पांचों की पांचों यहाँ पर ही हैं, और इस प्लेस को तो मैं इन पांचों के बिना नहीं छोड़ सकता, ऐसा लगता है कि ये ना समय भी अब मेरे साथ नहीं है क्या। बढ़िया है, अभी मेरे को है ना यहाँ पर कुछ समय देना होगा। और ये कहकर वेजिटा भाग गया, अब ये क्या करना चाह रहा है ये? अच्छा तोड़ रहा है और सारी एंट्रेंस वाली जगहों को, एक फेंकी दूसरी तीसरी चौथी, अरे पांचवी कहाँ गई भाई, पांचवी तो उसने फेंकी नहीं। फ्रिजा कहता है कि वो गंदा सयान बंदर वेजिटा, ऐसा लगता है कि ड्रैगन बॉल के पीछे गया है। तो भाई ये ड्रैगन बॉल्स के पास में पहुंचे और यहाँ से ड्रैगन बॉल्स गायब,
जारवन फिर बाद में रोते रोते बोलता है वेजिटा। फिरजा भी घूम गया जारवन की तरफ, कहता है कि ये माफी की लायक नहीं है, और अभी इस पूरे प्लैनेट में ढूंढो कि वेजिटा वो गद्दार कहां पर है, और अगर तुम एक घंटे के बाद में भी ना वेजिटा को मेरे पास लेकर नहीं आए तो तुम्हारी जो डेथ होगी वो बहुत ज़्यादा स्लो और ज़्यादा दर्दनाक होगी। जारवन घबराते हुए बोलता है कि ठीक है सर, और चले गया। फिरजा यहाँ पर बहुत गुस्से में इंतज़ार कर रहा है जारवन का। फिरजा कह रहा है कि मेरे को कहते हुए दुख तो हो रहा है, पर जो ये सियांस की जो कैपेबिलिटी होती है जो मैंने पहले सोची थी वो उससे ज़्यादा है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जीने के लिए है ना, ये हर एक फाइट के अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाते जाते हैं। ऑफकोर्स वो मेरे इतने सुपीरियर लेवल तक है ना आ भी नहीं सकते, वो इसी उम्मीद भी नहीं लगा सकते। तो फिरजा कहता है कि ये मेरे लिए वैसे थोड़ा झंझट वाली चीज़ हो जाएगी अगर मेरे को सुपर सैन से फाइट करनी पड़ी तो। ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि गिन्यू फोर्स को बुलाया जाए। तो भाई ये अलग और फोर्स मंगा रहा है अपनी, ये तो यार फोर्स पर फोर्स बुलाते आ रहा हूँ, गिन्यू फोर्स यार स्पेशली बुला रहा है इस बार, कुछ तो चक्कर होगा ही। वेजिटा का ये सीन आ गया, यहाँ पर इसने बॉल फेंक दी और यहाँ पर आके हंसे जा रहा है बॉलों को देख देख के, कह रहा है कि यहाँ पर हैं ये, हाँ हाँ मेरे को कोई नहीं छू सकता। अच्छा फ्रीजा ये था जो तुम्हें मिला था, अब तुम्हारी ड्रैगन बॉल्स मेरी हैं। अभी मेरे पास ये सारी हैं और एक है जो मैंने अंडर वाटर में हाइड करके रखी है, और बस एक ही रह जाती है मेरे को पकड़ने के लिए ड्रैगन बॉल, फिर उसके बाद में मेरे पास सात होंगी। वेजिटा फिर ऊपर की तरफ देखता है, कहता है ये इतनी ज़्यादा बड़ी पावर, क्या ये जारवन है? और यार ये तो क्लेन निकला, क्लेन कह रहा है कि इससे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, मेरे को नहीं पता था कि मेरे पास में इतनी शक्ति है। मुझे यकीन है कि ना गुहान के पास अब मेरे को जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और मेरे को ये भी यकीन है कि गुहान मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा जब वो गुरु से मिलेगा। तो एक साथ क्रिलिन ने पूरी स्पीड बढ़ा दी और वेजिटा मुंह फाड़ते हुए कह रहा है एक छोटा बंदा अर्थ से ये यहाँ पर नेमक पर कर क्या रहा है, ये तो आखिरी ड्रैगन बॉल को पकड़ के रखा था। वेजिटा का मुंह फटा रह गया भाई, अब शायद क्रिलिन का नहीं, ये तो वापस से वेजिटा का सीन आ गया यार। फिर हंसते हुए लगता है कि फॉर्चून भी मेरा साथ दे रहा है आज तो, और भाई चल पड़ा ये तो, क्रिलिन का पीछा करने के लिए निकल पड़ा यार ये। और यहाँ पर जारवन कह रहा है वेजिटा कहाँ पर भाग गया ये, अगर मैंने उसे जल्दी से नहीं ढूंढा तो लॉर्ड फ्रीजा के पास में मेरा सर होगा। इतने में ही वेजिटा और क्रिलिन ऊपर की तरफ से निकल गए और जारवन को पता चल गया अच्छा वेजिटा मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और ये जारवन भी उनके पीछे चल गया और तीनों लाइन से चल रहे हैं भाई। अभी वेजिटा कह रहा है कि एक बड़ी ही पावर अपने रास्ते पर है, मेरे को लगता है कि जारवन ने मेरे को ढूंढ लिया है। तो यार आज के लिए बस इतना ही, और देखते हैं यार जारवन इसको पीटेगा क्या करेगा और क्लिन के साथ क्या होगा, और यार इनका पता चल पाएगा कि नहीं ये फ्रीजा फोर्स को इन अर्थलिंग्स के बारे में, यानी कि क्रिलिन बुलमा गोहान और इन सब लोगों के बारे में। देखते हैं वो सारी चीज़ें अगली वीडियो के अंदर। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दो यार, और अपने सारे दोस्तों में प्लीज़ शेयर कर दो यार, और सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार जब इतनी देर तक देख ही लेते हो तो तुम, और उसके साइड वाला बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।